आज है 7 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ये एक्ट मॉन्यूमेंट साइट और आर्कियोलॉजिकल साइट के बचाने और उनके रखरखाव के लिए बना था 1958 में। बाद में 2010 में इसको अमेंड किया गया और इसमें ऐड किया गया कि जो 100 मीटर का दायरा है इन साइट्स के आसपास, इन मॉन्यूमेंट्स और साइट्स के आसपास, वो प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज नहीं अलाउ है। और उसके बाद जो 300 मीटर का दायरा है वो रेगुलेटेड एरिया है। रेगुलेटेड मतलब कोई भी काम जब करना होता है, कंस्ट्रक्शन या कोई और, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि इसमें फिर अमेंडमेंट की बात चल रही है। ठीक है, शायद ये एरिया घटाएं या बढ़ाएं, अब वो देखेंगे। उसके बाद बसाई वेटलैंड्स, ये गुरुग्राम में है। उसके बाद सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये उड़ीसा में है। कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये एमपी में है। उसके बाद है ओबव्वा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्पेशली वुमेन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। उसके बाद है ब्लैक पर्चर ड्रैगन फ्लाई, ये एक तरह की ड्रैगन फ्लाई है जो नॉर्मली कर्नाटका और आंध्र में पाई जाती है, और अभी लेकिन आंध्र के निचले पार्ट में पाई जाती है, और ये अभी सेशेल्स हिल्स जो है वहाँ पे देखी गई है। ठीक है, ये IUCN की लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है, जो उनकी थ्रेटन रेड लिस्ट थ्रेटन कैटेगरी होती है उसमें। ठीक है, उसके बाद है अभी एक अफ्रीकन यूनियन की समिट हुई, 35th समिट आदिस अबाबा में हुई, इथियोपिया की राजधानी है। और उसमें अभी कुछ दिन पहले ही उन लोगों ने बुर्किना फासो को सस्पेंड किया था। अभी इस पिछले 12 महीने में 4 देश हैं जिनको अफ्रीकन यूनियन ने सस्पेंड किया है, उसमें से गीनिया, माली, सूडान और अभी रिसेंटली बुर्किना फासो। ये कंट्रीज इसलिए सस्पेंड हुई क्योंकि यहाँ पे कूप हुआ था, मतलब जो इनकी मिलिट्री आर्मी है उसने ओवरटेक कर लिया है कंट्री को। ठीक है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर है लता जी के बारे में। लता जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और दादा साहब फाल्के अवार्ड से 1989 में। उसके बाद है स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022, ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है। इसको भारत सरकार के जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं उन्होंने लॉन्च किया है, वहाँ से लॉन्च हुआ है। उसके बाद है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के अंडर में है। ठीक है, ये यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर है। उसके बाद है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2022, आपको पता है ये केरला में होता है, पर इस बार रास अल खैमा ये UAE में है, वहाँ पे होगा मार्च में। उसके बाद है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ था और इसको इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट बनाएगा जहां सारे इन्फॉर्मेशन मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज और किस तरह के स्टैंडर्ड या प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, ठीक है, उनको देखना, उनको लोग एक्सेस कर पाएंगे। और ये हेल्थ आईडी कार्ड भी लोगों को जारी करेगी जो भी जुड़ना चाहते हैं उससे। ठीक है, और अपनी समस्याएं मतलब जो भी उनके हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है वो भी शेयर कर सकते हैं वहाँ पे, और मतलब प्राइवेसी रहेगी। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।